चाहिए। आपके पास क्या शवाहिद है, किसी बंदी की वीडियो है, किसी मुलजिम की ऑडियो है, कोई कंस्पिरेसी के गवाह है, कोई इंसाइटमेंट के गवाह है, एड के गवाह है, एबेटमेंट के गवाह है, कोई शहादत नहीं है। देखिए, आज आपको इस बात पे हैरत जरूर महसूस हुई होगी कि जब अदालत आलिया के फाजिल जज साहब ने इस्तफसार किया वकील सरकार से, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ये आपका केस है, तो उसने कहा अनफॉर्चुनेटली यही हमारा केस है, हमारे पास शहादत नहीं है। यही केसेस हैं सारे जो खान साहब के खिलाफ हैं और इसमें भी खान साहब मुल्जिम हैं। तो लिहाजा ये जजमेंट आने के बाद एक लाइन ड्रा हो गई है कि सिर्फ FIR दर्ज करने से या FIR में जिमनियात के जरिए नाम डालने से कोई शख्स जो है उसकी आज़ादी जो है सलब नहीं की जा सकती है। इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है और ये हमारे और चेयरमैन PTI के जो FIR हैं उसमें हमें बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत मदद देगी, बिलखसूस जो मातात अदलिया हैं उनके सामने जब हम। सर, कल आपकी एक जज साहब के साथ तल्ख कलामी भी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसमें मैं कल मेरे ख्याल में आप ही को बता चुका हूँ। दोबारा बता नहीं सर, दोबारा थोड़ा सा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए आप ही को मैंने बताया था और आपने अपलोड भी की है। ये तारिक था, वो जज साहब के साथ हमारे तल्ख कलामी जो ना कहें लेकिन हार्ड वर्ड्स हुए थे, तल्ख कलामी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ये है। तो अभी इंशाल्लाह कर ले कंप्लीट कर ले। हाँ, तो ये जो तल्ख कलामी तो नहीं थी, हार्ड वर्ड्स थे, लेकिन अभी इंशाल्लाह उसी अदालत में हम जा रहे हैं। अगर आपने जज साहब से मुलाकात करोगे सर, अभी जज साहब कोई हमारा दुश्मन है, राजीनामा, वो हमारे जज साहब हैं, हम एक इलाके के हैं, वो बनू का है, मैं लकी मरवत का हूँ। अच्छा। जब वो जज नहीं बना था तब से हम उनको जानते हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हॉनेस्ट हैं, अपराइट हैं, बस रवैया उनका मुनासिब नहीं था जिस पे हमारे दरमियान अल्फाज की ये ज़रा थोड़ी सी अक्रम दुरानी के साथ वो रिश्तेदार है, तो ये इनका मुझे मैं अजा की अटैक किसी के नहीं कर